नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो विदिशा। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सुमेर रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें गुना जिले के बरखेड़ा बमोरी से हरिराम अपने परिवार के साथ मजदूरी कर रहा है। आज सुबह शौच पर जाने के दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से निकलने के समय वह अचानक चल पड़ी। हरिराम उसके बीच में फंस गया। उसका दाहिनी हाथ पटरी पर था और उससे पर पहिया गुजर गया, जिससे उसका दाहिनी हाथ का पंजा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हरिराम ने घबराने की वजह पटरी पर लेटना उचित समझा। पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। उससे पहले जिला अस्पताल के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हरिराम का कहना है कि केवल रोज इसी तरीके से पटरी पार करके जाते थे, लेकिन आज ट्रेन अचानक बिना हॉर्न के दिए चल गई, इसलिए उसके हादसे का शिकार हुआ। आपका रहते हैं को अभी यहाँ सुमेर के पास क्या काम कर? सुमेर पे ब्रिज बना रहा है रेलवे के साथ में। हाँ। क्या हुआ कल? कल कुछ नहीं, मैं डिब्बा लेके जा रहा था, मालगाड़ी खड़ी थी, मैंने स्विच निकल जाऊँ, इतनी में गाड़ी बढ़ गई। मैंने कल भी कोशिश करी, जब हाथ पकड़ के मैंने रोल पे हाथ धरा, जब यहाँ चपको मेरा, फिर मैंने हटा के अंदर ही लिया। हाथ के अलावा कहीं और चोट नहीं आई? और चोट कहीं नहीं, बढ़िया बच गए। उल्टे होकर भाई मैं पड़ रहा हूँ। तो ट्रेन पटरी नीचे क्यों निकल रहे थे? फिर सुबह जा रहा हूँ डिब्बे ले। अच्छा, क्या रोजाना निकलना ऐसे होता है? रोजाना होता था सर, काम भी यहाँ ऐसे करती थी। तो परिवार के अन्य सदस्य कौन कौन रहते साथ में? बीवी है, बच्ची है,